तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। तेज खबर 24 में इस वक्त खबर है रीवा शहर से, जहां रीवा शहर के बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने राह चलते युवक पर वीडियो बनाने के शक में चाकू से हमला कर घायल कर दिया है। घटना के दौरान घायल ने एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद वह लहूलुहान अवस्था में सिटी कोतवाली थाने पहुंचा है, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई है। घायल युवक बिछिया निवासी संजय गांधी अस्पताल में MRI सेंटर का PRO है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल चाकूबाजी की यह घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मोहल्ले की बताई गई है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने राह चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बिछिया निवासी तारिक खान उर्फ जानी संजय गांधी अस्पताल में MRI सेंटर का PRO है, जो निपनिया में संचालित डॉक्टर SK पाठक की क्लिनिक पर गया हुआ था। बताया गया है कि क्लिनिक के बगल में ही संचालित किराना दुकान में कुछ युवक विवाद कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहा पीड़ित युवक वहां खड़े होकर उन्हें देखने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर वीडियो बनाने के शक में उसे ही पीटना शुरू कर दिया और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने युवक की कमर के नीचे चाकू मारा है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने भागकर एक घर में छिपकर आरोपियों से अपनी जान बचाई है। फिलहाल घायल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर SK पाठक जो CMO साहब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास उनके क्लिनिक गया था कॉल करने। कहाँ पर क्लिनिक है? और लिपनिया चौराहा कॉलेज के आगे, संस्कृत कॉलेज के आगे। हाँ। मैं वहाँ गया कॉलिंग करने के बाद, सर से बात की फ़ोन पे, उन्होंने नहीं थे, तो हमने क्लिनिक की फ़ोटो लेने की कोशिश की, ले रहे थे, और वो लोग किराने की दुकान वाले से मारपीट कर रहे थे। उनको लगा कि हमारी वीडियो बना रहा है या फ़ोटो खींच रहा, तो बार बार घूर घूर के देख रहे थे। अचानक 4-5 लोग आए और गाली गुप्ता बकने लगे, और पीछे से लाठी मारा, पीछे से कोई पैर पर चाकू मार दिया, बेल्ट से हमला करने लगे। जवाबी कार्रवाई पे हमने भी बेल्ट निकाला, दूसरे ने पीछे से आके कुछ पटक दिया, हमें छीन लिया। कितने की संख्या में थे वो लोग? 4 या 5 लोग थे। 5 लोग।